Ali, Sriman Kad Ali. महोदय, आपने मुझे रस्ताओं पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी सरकारी आंकड़े पेश किए और हमारे साथियों ने भी आंकड़े पेश किए और सुझाव दिए। मैं सीधे साधे शब्दों में अपनी बात रखूंगा। महोदय, हमारे देश में औषधि मूल्य नीति के अभाव में दवाइयों की कीमतें बढ़ती रहती हैं, क्योंकि निर्माताओं और व्यापारियों द्वारा मनमाने ढंग से दवाइयों का मूल्य बढ़ाया जाता है तथा जेनरिक किस्म की दवाइयों के रूप में नकली दवाइयों के निर्माण और वितरण को भी बढ़ावा मिलता है, जिससे गरीब लोगों को दवाइयों की ऊँची कीमतें की वजह से प्रभावित होते हैं। वे लोग दवाइयों का खर्च वहन नहीं कर पाते, लोग कर्ज लेकर अपना इलाज कराने को मजबूर होते हैं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि लाखों लोग भुखमरी से पीड़ित हैं, अपना इलाज भी नहीं करा पा रहे हैं। महोदय, वर्तमान में दवाइयों के मूल्यों के निमंत्रण के लिए कोई कानून नहीं है। कंपनियों द्वारा महंगे उपहारों के चलते डॉक्टर महंगी दवाइयों को लिख कर देते हैं, जिनका खर्च सामान्य या गरीब व्यक्ति नहीं सहन कर पाता। सरकारी सुविधाओं का लाभ भी अमीर लोगों के लिए होता है, गरीब लोगों को उसका भी कोई लाभ नहीं पहुंच पाता है। माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूँगा कि वे नीति के अभाव में आवश्यक दवाइयों के मूल्य को किस प्रकार कंट्रोल करेंगे, और ये भी जानना चाहूँगा कि कैंसर, शुगर, किडनी, हार्ट जैसे गंभीर बीमारियों के लिए गरीब लोगों के इलाज के लिए दवाइयाँ उपलब्ध कराने में कोई सुविधा देंगे, या महंगी दवाइयों के मूल्य को कंट्रोल करने के लिए गरीब लोगों के लिए कोई योजना बनाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।